राजकुमार राव पत्र लेखक की प्यार की किस्से इन दिनों हवाओं में है। जिन लोगों ने भी इनके प्यार को नजदीक से देखा और महसूस किया है वो तो इनके फैन हो गए हैं। वैलेंटाइन डे आने में अभी वक्त थे पर राजकुमार राव को मिला एक लव लेटर। जी हाँ दोस्तों, लव लेटर लिखने वाली है उनकी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा। अपने पोस्ट में पत्रलेखा ने राजकुमार राव के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। इस पोस्ट या फिर कहे लव लेटर के हर एक शब्द बिल्कुल दिल से निकले हुए हैं। शब्द ऐसे कि कोई भी पढ़ने वाला ये कह उठे कि काश वो भी राजकुमार राव होता या फिर उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड पत्रलेखा जैसी ही होती। राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड पत्रलेखा अपने इस लव लेटर में लिखती हैं कि जब पहली बार उन्होंने राजकुमार राव को फिल्म लव सेक्स और धोखा में देखा था तो उनके मन में राजकुमार राव की छवि बिल्कुल खराब हो गई थी। पत्रलेखा ने आगे लिखा है कि राजकुमार राव ने पहली बार उन्हें एक एड फिल्म में देखा था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो पत्रलेखा से ही शादी करेंगे। पत्रलेखा और राजकुमार राव पिछले 8 सालों से एक साथ है। राजकुमार राव खुलकर अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के बारे में बात करते रहते हैं। एक्टर राजकुमार राव हालांकि पत्रलेखा से अपनी शादी की बात पर कहते हैं कि अभी उन दोनों की शादी उनके काम से हो रखी है। इस समय दोनों अपने अपने कामों में काफी ज्यादा व्यस्त है और इसलिए शादी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पत्रलेखा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सिटी लाइट से की थी और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट राजकुमार राव ही थे। तो दोस्तों इनकी लव स्टोरी को देखकर क्या है आपकी राय और आप लव स्टोरी में कितना बिलीव करते हैं ये हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।